भरा हुआ। हाँ पानी भर गया ना अंदर घर में। घर में जा रहा हूँ उनके। ओ देखो वहाँ पानी, देखो कहाँ से आ रहा हो, देख रोड वाले। अच्छा हमें फोन में पन्नी में बना लेते ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह 6 बजे का टाइम है ये। और देखिए आप हमारे घर के आगे नाला किस तरह भरकर आ गया है। और सामने आप घर देख रहे हो ना, उनके तो गेट तक ही पानी आ रखा है, इतना पानी आ रखा है। और इन्होंने मुझे उठाया सुबह सुबह कि उठ के देख जरा क्या हालत हो रही है घर के आगे। तो हमें जो है अपनी कार भी पीछे करी, इतना पानी आ गया था, डर लग रहा था कि कहीं कार तक पानी ना आ जाए। और देखिए आप कितना भयंकर पानी आ रहा है, डर भी लग रहा था, इतना शोर शराबा था ना पानी का भी। और हम काफ़ी देर तक से देखते रहे। तो ये अभी जो देख रहे हैं इस समय ना, बारिश कम हो गई थी तो नाले का जो बहाव है वो कम हो गया था। लेकिन यही है बरसात में जब भी बारिश होती है, ऊपर जंगलों में बारिश आती है, पानी आता है, तो इतना इसमें पानी आ जाता है। और बहुत पानी आता है, यहाँ तक कि हमारे गेट तक पानी आता है, इतना पानी आता है इस नाले में। और बस मॉर्निंग का टाइम है, शिवरात्रि का दिन है आज। हाँ तो हम लोग फटाफट जो अपना काम करेंगे फिर अपना मंदिर होकर आएंगे। और गुड्डू यहाँ पे काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है। आजकल मेरी गुड्डू बहुत काम करने लगी है अपने आप ही। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से वो खुद से ही काम करने लगती है। मैं उसे कुछ ही नहीं कहती हूँ कि ये कर दे वो कर दे, अपने आप से अपने मन से करती है। और अच्छा भी लगता है जब बच्चे इस तरह से हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं। और होना भी चाहिए, बच्चों को काम सीखना चाहिए। होता है कभी कभी मम्मी बीमार हो, पापा घर में ना हो, कुछ हो, तो बच्चे अपना काम कर लें, अपना बना के खा लें, भूखे ना रहें। तो इस तरह से बच्चों को ट्रेन होना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपका कुछ घटेगा नहीं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बस इतना सा है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में। और यहाँ पर हम सब नहा लिए हैं और पांचों फैमिली, हमारे पांचों परिवार जो है नहा के हम लोग आए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए शिवरात्रि पे। यहाँ पे फिर हमने पूजा कर ली है और गुड्डू ने करी है और कृष्णा निकेत हम सब ने पूजा कर ली है। हम शिवरात्रि में ज़रूर पूरा परिवार आता है। और सावन के तो खैर मेरे व्रत चल ही रहे हैं, मैं मंदिर आती हूँ। और मंदिर ये बहुत अच्छा है, काफ़ी साल पुराना मंदिर है और अपने यहीं का ही है। और फिर घर आने के बाद मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे, चाय है, चटनी है। ये चटनी जो है लहसुन प्याज लहसुन टमाटर और सूखी लाल मिर्च, उसकी चटनी बनी है जो बहुत यमी और टेस्टी बनी है। आलू के पराठे हैं जिसमें आलू प्याज हरी मिर्च मिक्स है, साथ में मक्खन है, चाय है। और मैं आलू के पराठे की जो है वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो मैंने कहा क्यों बना के फिर वह है ना वीडियो लंबी होती है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ तो आप कहोगे कि कैसे इत्मीनान से बैठी है, खा रही है।
तो भूख लग रही थी, और जब आलू के पराठे होते हैं ना मुझे गरम गरम अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाते तो टेस्ट नहीं आता है। तो ये कृष्णा ने बनाई है, कृष्णा कह रहा मम्मी लाओ मैं थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ आप खा रहे हो, क्योंकि पराठे की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं है। और क्या होता है ना कभी कभी ना ये रहता है कि हाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, लेकिन कभी कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कुछ बना रही होती हूँ ना, तो वो मेरे ध्यान से उतर जाता है कि मैंने शूट भी करना है। बाद में मुझे याद आता हो मैंने इसकी तो वीडियो क्लिप निकाली नहीं है, बनाया नहीं। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे ध्यान से उतर जाता है। जो इस समय भी ऐसी हुआ था, पराठे बनाने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने हाँ वीडियो तो बनाई नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, रेसिपी ऐसी कुछ वो नहीं थी, मैंने कई बार शेयर करी है आपके साथ, बनाया है काफ़ी बार मैंने। तो आप भी खा लीजिए आलू का पराठा, चाय गरम गरम। और हाँ मैंने व्रत नहीं रखा था, फास्ट मैंने नहीं रखा है, सिर्फ पूजा करी थी, क्योंकि तबीयत मेरी ऐसी थी तो मुझे दवाई खानी थी। जो है मैं अब आपसे मिल रही हूँ, और मुझे आज पता नहीं इसमें क्वालिटी अजीब सी लग रही है, ज़्यादा वाइट हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आपसे बातें कर लेते हैं। और मैं सो गई थी, दिन में सो के उठी हूँ, और बस अपना मुँह हाथ धो के और मैंने कहा चलो आपसे बात करने बैठ जाते हैं। और आज मैंने कलर ना अलग लगाया है, ये जो कलर लगाया ना लिपस्टिक का, मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है और बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राउन कलर का पहली बार लगाया है मैंने। तो बस मैंने कहा दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आई हूँ मैं अपने तीज के लिए, क्या क्या शॉपिंग करी है मैंने, और गुड्डों के लिए लेकर आई हूँ, अपने लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको, ज़्यादा तो नहीं लाई हूँ, थोड़ा ही लाई हूँ। और कपड़े नहीं लिए हैं, साड़ी रखी है मेरी तीज के लिए, मैंने सेलेक्ट करके रखी है, वो पहनूँगी। और 11 तारीख की है ना शायद तीज, 11 की ही कह रहे हैं। और आप सबको सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएँ, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, और हर आपके परिवार पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, और स्वस्थ रहें आप सब। तो सुबह हम मंदिर भी गए थे, जल चढ़ा कर आए हैं पूरा परिवार, और मैंने व्रत नहीं रखा मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, आपको पता ही है, कुछ लोगों को पता है, पता नहीं नहीं पता है, मैं जानती नहीं हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं। और पहले मैं दिखा देती हूँ, चूड़ियाँ दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। तो इस रंग की चूड़ियाँ हैं, ये ग्रीन कलर की, तीज में ग्रीन ही पहना जाता है, और पता है पूरा सावन निकल जाएगा, मतलब आधा सावन निकल चुका है, मैंने अभी तक ग्रीन चूड़ियाँ नहीं पहनी है कुछ तो। हम तो ये है डेली भी पहन लूँगी मैं, तो ये पूरा एक डब्बा लेकर आई हूँ। और हमारा फ़ैन जो है ना बहुत आवाज़ कर रहा है, खट 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 कर रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये ग्रीन लेकर आई हूँ मैं गुड्डों के लिए, तो कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है ना, वैसे ये डार्क ग्रीन है, इसमें हल्का ग्रीन आ रहा है वीडियो में, ये गुड्डों के लिए लेकर आई हूँ। और गुड्डों का ना मैं अपने हाथ से ही नाप के लाई थी, मुझे लगा कि कहीं छोटा बड़ा ना हो, लेकिन अब उसे मेरे हाथ की चूड़ियाँ आने लगी हैं उसका ना, हाँ यहाँ पर हाथ जो सख्त है। और ये बिंदी लेकर आई हूँ मैं कलरफुल, मुझे कलरफुल बिंदियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये दो पत्ते लेकर आई हूँ मैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो मेरी कृष्णा बड़ी जल्दी आ गया, 6:45 हो रहे अभी, इतनी जल्दी आ गया। दो पत्ते लेकर आई हूँ मैं, और ज़्यादातर जो है मैं कलरफुल भी लगा लेती हूँ, और प्लेन भी लगा, मतलब मैरून वाइट भी लगाती हूँ, पर मैं प्लेन लगाती हूँ। आपने आज तक देखा होगा मेरी बिंदी में कोई नग वगैरह डिजाइन नहीं रहता, तो प्लेन रहती है, तो दो पत्ते बिंदी लेकर आई हूँ मैं। और क्या लाई हूँ, मेहंदी है, मेहंदी लेकर आई हूँ, जो मुझे लगानी नहीं आती है, देखना पड़ेगा अपना भी लगाएंगे या फिर क्या करेंगे। मेहंदी कोई सी ना लीक हो रही है, कोई सी मेहंदी ना निकल रही है। और ये रबड़ बैंड है गुड्डू के लिए, बाल में लगाने के लिए लेकर आई हूँ। एक सिंदूर है, इतनी जल्दी क्यों आ गया 6:45 बेटा? 5 बजे तो तुम गए थे, तो 1.5 घंटे में ही वापस आ गए हो। 5 बजे गया था यहाँ से, तो तुम 1.5 घंटे में ही घर वापस आ गए हो, ऐसा क्या फ़ायदा? ये सिंदूर लेकर आई हूँ मैं, मिलाप का है। और ये नेल पेंट है, नेल पेंट
तीज त्योहारों में क्या होता है ना, मेहरून रेड ही अच्छा लगता है, तो ये गुड्डों के लिए एक अपने लिए लेकर आई हूँ मैं, और ये कान के लेकर आई हूँ अपने लिए। मेरे कान खाली हैं और मुझे इस तरह के ही चाहिए थे। कई बार मैं मार्केट गई तो मार्केट में भी मैंने देखा तो इस तरह के नहीं मिले। मुझे वैसी बाली चाहिए थी जो टकदनी बंद होती है, तो यही मिल गई फिर मुझे, यहीं पर ही मिल गई थी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था, जो हमारे इधर ही मार्केट पड़ता है, तो वहाँ से मैंने ले ली। और ये गारंटी वाली है, मतलब 6 महीने की गारंटी है इसमें, ये है आधे रेट में वापस चले जाएगा ये। तो एक जोड़ी मैं अपने लिए लाई हूँ, और इसे छोटा साइज़ में गुड्डू के लिए लेकर आई हूँ, और वो उसे मैंने पहना दिया था, लाते ही पहना दिया था, फिर उसका थोड़ा सा रहता है ना। और बालियाँ बहुत सुंदर हैं ये, दिख रही हैं, इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगा मुझे, छोटी छोटी बालियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं, और मैं पहन ही लेती हूँ। मेरे कान खाली पड़े हुए, और मुझे ज़्यादा बड़े जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे यही चाहिए थे टकदनी बंद होने वाले, मुझे आदत पड़ गई इनकी ना, काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही पहनती भी आ रही हूँ। अब खिले ना कान, और ना खाली खाली चेहरा भी ऐसे ही लग रहा था, कान खाली होना तो चेहरा जीप सही होता है। बस यही शॉपिंग करी है मैंने, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, और लिपस्टिक वगैरह मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, तो उन्हें ख़त्म करूँगी, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाएंगी, क्या फ़ायदा, फेंकी जाएंगी, तो बस यही लेकर आई हूँ। डिब्बी जो है मैं संभाल के रखूँगी, एक डिब्बी रखी है गुड्डू की, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, कॉपियाँ खाली पड़ी हैं, 2 डिब्बी हैं, तो ये मैं संभाल के रखूँगी। और चूड़ी तो मैं 30 पे ही पहनूँगी, अभी मैं रखूँगी। तो आप भी बताइएगा आपने 30 में क्या लिया, और कब मना रहे हैं? वैसे 11 तारीख का ही सुना है मैंने कि 11 तारीख की ही है, देखते हैं। वैसे भी हम हिंदुओं के त्यौहार जो होते हैं ना, 2 दिन होते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं किस दिन करें किस दिन ना करें, तो इसे मैं संभाल के रख देती हूँ। और ये रबड़ संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कितने ही रबड़ ले आऊँगी मैं, कितने क्लेचर ले आऊँगी ना, मुझे एक भी नहीं पाता है, गुड्डू उठाती है लगाती है इधर उधर रख देती है, मुझे नहीं मिलता है। और इसका ना नेल पेंट का कलर ना, मैंने ट्राई किया था ना जब लिया गया था, अभी तक लग रखा है, तो इस कलर का ही है, मैंने ले लिया, चलो ले लेते हैं नेल पेंट, मेरे पे थे भी नहीं। तो बस शाम हो गई है, 5:45 हो गया, 5:45 के अब तो 6 ही बज गए हैं, और शाम का देखते हैं क्या बनाना है। आलू उबाल के रखे हैं, थोड़े तो आलू के पराठे बना लिए थे, और अब देखूँगी क्या बनाऊँगी, आलू का, आलू की मटर बनाऊँगी या फिर थोड़ी सी मटर रखी आलू मटर बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाऊँगी मैं खाना अभी। और मौसम अच्छा हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँगी, थोड़ा टहलूँगी, और पता क्या हो रहा है, तबीयत मेरी ऐसी हो रही है, चक्कर मेरे बंद हो गए हैं। वैसे तो मैं चल फिर रही हूँ, घर का काम सारा कर रही हूँ, खुश भी हूँ। जब बीमार होते हैं ना तो हम खुश नहीं होते अंदर से, अजीब सा फील होता है, बस अजीब सा फील होता है। और मैं जब बीमार पड़ती हूँ ना तो बेदुहाई पड़ती हूँ, वरना मुझे बीमारी जो है ना छूती भी नहीं है, मुझे कहते भी है, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड कहते हैं तो बीमार नहीं पड़ती, लेकिन जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और अब ऐसा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आंखों का जो दर्द है वो नहीं जा रहा है, तो मुझे लग रहा है मुझे आई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आंखों के डॉक्टर को मुझे दिखाना पड़ेगा। और जब सोती हूँ ना तो नींद तो नहीं आ रही है मुझे, रात को आधी आधी रात गुजर जाती है, मुझे नींद नहीं आती है, दिन में भी सोने की कोशिश करती हूँ आंखों को बंद करती हूँ, तो इन आंखों को ना दबा के रखती हूँ, मेरे यहाँ पर इन चीज़ों में दर्द है, तो ये नहीं जा रहा है आंखों का दर्द, इससे मुझे दिक्कत हो रही थोड़ी सी। और कहते हैं आंखों में जब दर्द रहता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर चलिए फिर थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, फिर खाना बनाएंगे, 6 बजे हैं, मिलते हैं। बुआ हल्की कैसे होगी, भाग के होगी, भाग के बुआ को बैठा के क्या करेगा? ये हंसू को देख कैसा मुंह बनाते भी, बुआ बुआ को पिला लो, अब बुआ गिर गई फिर कौन संभालेगा बुआ को? तानू ये कुछ मोटिया ना तानू, तो मैं अल्ली दी ना नीचे रखे कि पे वो तानू भी ले लो।
यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, साग काट रही हूँ शाम के डिनर के लिए। वैसे था तो आलू ले रखे हूँ, बना लूँगी, लेकिन मम्मी ने अरबी के पत्ते काट के दिए हैं तो मैं वही काट रही हूँ। अरबी के पत्ते हैं ना, इनकी ये होते हैं, ये नसें सी जाती हैं, इन्हें निकाल देते हैं जिससे थोड़ा जो साग का छाया हुआ होता है ना वो कम लगता है गले में। और यहाँ पे मैंने साग जो है बारीक बारीक काट के रख लिया है। ये अब मैं धोऊंगी और मैं इस पीस से छुकूँगी जैसे नॉर्मल और जो साग बनाते हैं वो। और ये डंठल निकली है तो इसकी जो होती बड़ी बनाई जाती है बढ़िया, पर मुझे नहीं आती है तो मैं नहीं बनाऊंगी। और अभी अभी बालों में जो है ना मैंने थोड़ा सा फ्रंट में करल लगाया है, वैस्मोल रखा था तो फ्रंट में लगाया है, इसलिए बाल मेरे चिपकू से हो रहे हैं। टाइम हो रहा है 6:30 और मैं साग को धो के छोंक देती हूँ, बना लेती हूँ। सब्जी बन जाती है ना तो फिर तो ये रहता है कि रोटी गरम गरम सेक लो। और यहाँ पे मैंने साग छोंकने के लिए कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है और 1 चम्मच मैंने हींग डाला है, 1 चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च डाली है मैंने 3-4 काट के। और उसके बाद मैंने 3-4 बड़े बड़े प्याज काटे थे, लहसुन को काट लिया था और वो डाला है मैंने। प्याज ज़्यादा करके डाले हैं, इससे प्याज का स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसमें। और साग जो था कटा हुआ वो मैंने इसमें डाल दिया है। और बस इसमें मैं 1/2 गिलास पानी डालूंगी और उसके बाद ये थोड़ा सा भुज जाएगा ना, थोड़ा सा हो जाएगा तब मैं इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि पहले बनाओ ना तो नमक तेज़ होने का वो रहता है। और बस ये साग बन जाएगा, मैं रोटी बनाऊंगी। और वीडियो मेरा यहीं तक है, पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।